नमस्कार दोस्तों, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ तत्वज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। रावण महाज्ञानी था और इसी वजह से जब वो भगवान राम के बाण से घायल होकर मृत्यु संज्ञा पर लेटा था, उसने लक्ष्मण को ज्ञान की तीन बातें बताई और उपदेश दिया। आइए आज आपको बताते हैं रावण की वो तीन बातों को। राम के बाणों से घायल लंकापति रावण मृत्यु शैया पर पड़े थे। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, ये सत्य है कि रावण ने अधर्म किया जिसका दंड उसे मिला, लेकिन वह शास्त्रों और राजनीति का महान ज्ञाता है। तुम उसके पास जाकर उससे राजनीति के गुर सीख लो। लक्ष्मण बोले, भैया क्या आप यह सोचते हैं कि इस समय जब वह घायल होकर मृत्यु शैया पर पड़ा कराह रहा है, मुझे राजनीति का उपदेश देगा? श्री राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण, रावण जैसा सत्यवादी कोई नहीं। अहंकार ने ही उसको आज इस दिशा में पहुंचाया है। अब उसका अहंकार दूर हो गया, अब वह तुम्हें अपना शत्रु नहीं मित्र समझेगा। लक्ष्मण राम की आज्ञा का पालन करते हुए रावण के पास गए और उसके सिराहने के पास खड़े होकर बोले, लंकाधिपति, मैं श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण, राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। रावण ने लक्ष्मण को एक क्षण देखा, फिर आंखें बंद कर ली। कुछ देर खड़े रहने के बाद लक्ष्मण लौट आए और राम से कहा, मैंने कहा था ना कि इस समय रावण कुछ नहीं बताएगा, उसने मुझे देखते ही आंखें बंद कर ली। राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम ये बताओ कि तुम उसके पास किस ओर खड़े थे? लक्ष्मण ने कहा, मैं उसके सिराहाने की ओर खड़ा था। राम ने कहा, रावण लंकाधिपति है, फिर जिससे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है उसके चरणों की तरफ खड़े होकर प्रणाम करके अपनी बात कहनी चाहिए। लक्ष्मण जी फिर गए और उन्होंने रावण के चरणों का स्पर्श कर प्रणाम किया, फिर उपदेश की याचना की। इस बार रावण ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, शुभ कार्य को जल्दी करना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके टालना चाहिए। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में बहुत देरी कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हुई है। शत्रु को कभी कम ना समझें। दूसरी बात यह है कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और बानर को तुच्छ समझता था। मेरी गलती हुई। अपना राज किसी को मत बताओ। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहां भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लक्ष्मण ने आज तक जो नहीं सीखा था उसे सीख लिया। तो ये थी महापंडित रावण की बताई वो तीन बातें जो उसने लक्ष्मण को बताई। दोस्तों, आप भी इस उपदेश को अपने जीवन में आत्मसार करिए, निश्चित ही आपको कभी जिंदगी में हार का मोह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक्स, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए,
और उसके साथ जो बेल आइकॉन का ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशंस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही और बाकी खबरों से रूबरू हो सकें। शुक्रिया।